नमस्कार, मैं फिरोजपुर शहर से चमन अरोड़ा, एक अंग्रेजी का रिटायर्ड प्राध्यापक, आपके सामने मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर और पायदार कहानी ईदगाह पढ़ने जा रहा हूँ। ईदगाह थोड़ी सी लंबी कहानी है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसे बड़े इत्मीनान के साथ सुनेंगे। मेरा काम है इसे आपको सुनाना और आपका काम है इसे बड़ी पेशेंस के साथ सुनना। तो मैं पढ़ता हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सवैयां खाएंगे। वो क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वो 4-5 साल का गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप पिछले वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माना जाने क्यों पीली पीली होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वो दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गए। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पांव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियों और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वो दिल से अरमान तो वो दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहां से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन,
उसके घर में दाना नहीं। आज उसका बेटा आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। हाँ बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान तीन कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहां सवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, यहां तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांगेगा ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल गवालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चुड़ियारिन सभी तो आएंगी, सभी को सवैया चाहेंगे और थोड़ा किसी को आंखों भाता नहीं। किस किस से मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुशा खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वो कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से 1 फरलांग पर है, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब, ये घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। हाँ सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछे हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़े जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में सुना जादू होता है, यहाँ मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं आने देते। और वहां शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं, मेमे। हाँ सच, हमारी अम्मा को ये दे दो क्या नाम है बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनु आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेन को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों थले अंधेरा आ जाए। महमूद बोला, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती? मोहसिन
हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें पा न सका। हाँ सच, आगे चले बच्चे, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वो तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहें चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस पैर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहां बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद बोला, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे ये मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। मोहसिन, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी जाए चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए कहीं ना मिला, तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। सभी बच्चे आगे चले, ये पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। लेफ्ट राइट रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, ये चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में आकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर बेचते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहां से पाते हो, हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार रहे हैं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें क्यों नहीं पकड़ता। मोहसिन उसकी नदानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है, हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूजी जल गई, एक बर्तन तक नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे, फिर न जाने कहां से 100 खर्च लाए तो बर्तन भागे आए। हामिद बोला, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। कहां 50 कहां 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इतर में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा।
सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक जहां जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहां कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं, एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरी और शम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं, हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, सिर्फ 3 पैसे। अपने कोष का एक तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिश्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला रहा है। मोहसिन को बिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मश्क रखे हुए है, मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मश्क से पानी उंडेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है इसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं, हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वो कैसे लेगा। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग भूल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, किस काम के। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा शाम सवेरे। महमूद बोला और मेरा सिपाही घर पर पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे ने कहा और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। समी कौन सा पीछे रहने वाला था, और मेरी धोबन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयां आती हैं, किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, अब आगे के पास 3 पैसे हैं।
क्यों नहीं लेकर कुछ खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन ये जानकर भी वो उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरी और शम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब के जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद बोला, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? शम्मी ने कहा, तीन ही पैसे तो हैं, तीन पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद ने कहा, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन बोला, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद बोला, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहां कोई आकर्षण ना था। वो सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितना प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर में एक काम की चीज तो आएगी, खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देरी तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। ये तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहां फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे कहां मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयां नहीं मुझे किसी ने भी एक ना दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयां? आप मुंह सड़ेगा, थोड़े फिंसकर निकलेंगी, आपकी जुबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और बाहर खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी जुबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दवाएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खिलौने और खाए मिठाइयां, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं, मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएगी, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देख कर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहां क्यों लादे बैठे हैं ये सामान सारा, तो बताते क्यों नहीं, क्या पैसे का है ये चिमटा? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया,
ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना आलो नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहता वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चू। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। समी ने खजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खजरी से बदलोगे, दो आने की है। हामिद ने खजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए, मेरा बहादुर चिमटा आग में पानी में आंधी में तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया। अब पैसे किसके पास धरे, फिर मेले से कितनी दूर निकल आए हैं, 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है, बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन महमूद सम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ, शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी भी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति, एक ओर मिट्टी है और दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियां भिश्ती के चक्के छूट जाएं, मियां सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका, उसे पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूर ने अकड़ कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे, अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन बात ये बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब, तुम्हारी ये वकील सिपाही और बिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे, आग में कूदना ही वो काम है जो ये रुस्तम में हिंदी कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने समी और नूरे को भी सजीव कर दिया, कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है।
हामिद को कोई फटकता हुआ जवाब ना सूझा तो उसे धादरी शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई ढेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात पर भी कुछ नयापन नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है, अब इसमें मोहसिन महमूद नूरे सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वो हामिद को भी मिला। औरों ने तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके, हामिद ने तीन पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी, मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दे दो हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने, हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच, ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है अब बोले अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता, चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन ने कहा लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद बोला दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मारना पड़े, अम्मा जरूर कहेगी कि मेले से यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। तीन पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना थी। पर फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए, महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए, ये उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए, मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली तो मियां भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक भी धारे। इस पर भाई बहन में मारपीट शुरू हुई, दोनों खूब रोए, उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के को ऊपर से दो दो चाटे और लगाए। मियां नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार पे खूटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कलीर बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया, अदालतों में खस की टटियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहां मामूली पंखा भी ना हो, कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे, मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि गूरे पर डाल दी गई। अब राम महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं, जो अपने पैरों चले वो पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर
और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह सोने वाले जागते रहो, सोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो देरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियां सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वो अच्छा डॉक्टर है, उसको ऐसा बरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनंद फानंद जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए, गूलर का दूध आता है, टांग जवाब देती है, शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से ना तो चल सकता था ना बैठ सकता था। अब वो सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालरदार साफा खुर्च दिया गया है, अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो, कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दादी ने उसके हाथ में चिमटा देखा तो वह चौंकी, ये चिमटा कहां था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वो नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कष्ट शब्दों में बिखेर देता है, ये मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, अपने बाप का। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? आप सब श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।